फ्रेंड्स, आज बेटा हम एमिटर और ट्रांसफॉर्मेशन के और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल तो नहीं आए, इन हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आते थे, इसलिए और ये थोड़े से टिपिकल हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, आज हम पहले हम 10th क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम 12th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए, वी पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा, ये माइनस वन वन टू वन टू थ्री थ्री वन वन इक्वल टू आई, आई कितना हमारे पास वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, और यहां पर ए एज ए पोस्टर काम करेगा, पोस्टर मीन बेटा एल चीज रहेगा, ये चलता रहेगा। अब इसको करना, आगे स्टार्ट करना हमने। अब देखो बच्चे, हमने पहले बताया था आपको कि यदि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या चाहिए, यहां पर वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन हम कॉलम वाइज करेंगे। तो पहले बेटा आपको यहां पर जैसे सबसे पहले हमने ये बताया भी था आपको, पहले आप वन लाओगे, फिर ये जीरो जीरो, फिर आप सेकंड कॉलम में वन लाओगे, फिर थर्ड कॉलम में वन और बाकी जीरो जीरो, और यहां पर भी जीरो जीरो ऐसे। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम पे चलते हैं, यहां पर हमने वन लाना है। देखिए बेटा क्या लाना हमने, वन। वन कैसे आएगा भाई, देखो यहां पर हमने लाना है वन, यहां यहां वन लाना है, और यहां जीरो, और यहां भी जीरो। जो ये ब्लू कलर का लाइन लिया हमने उस पे वन लाना है, और इस पे जो रेड लिया है उन पे जीरो जीरो लाना है। आधे घंटा कैसे लाए अपन, लकली यहां पर माइनस वन है तो इसके हम साइन चेंज करते हैं तो वन वन आ जाएगा, या इसको इंटरचेंज कर दे तो भी आ जाएगा। तो हम साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करें तो क्या आएगा, आर वन पे साइन चेंज करते हैं माइनस वन टाइम ऑफ आर वन, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, वन माइनस वन टू माइनस वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा यहां पर करना अगला स्टेप, ये एटीज रहेंगे हमारे पास, वन टू थ्री वन टू थ्री थ्री वन वन, ये और ए एज ए पोस्टर काम करेगा। अब हमें यहां जीरो और यहां जीरो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, आर टू अप्रोचेस टू आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री अप्रोचेस टू आर थ्री माइनस थ्री टाइम ऑफ आर वन, ये आएगा हमारे पास। तो कीजिए भाई यहां पर आर वन तो एटीज रहेगा, तो वन माइनस वन टू, यहां पर भी माइनस वन जीरो जीरो एच रहा, आर टू माइनस आर वन करना है तो वन माइनस वन जीरो, टू में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा थ्री, थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा वन, जीरो में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस वन, वन में जीरो सब्ट्रैक्ट करो वन,
जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट कीजिए जीरो, ये आ गया हमारे पास। अब आर थ्री में से ये कीजिए भाई थ्री टाइम ऑफ, तो थ्री वन जो थ्री, थ्री में थ्री गया जीरो, माइनस थ्री कीजिए तो वन माइनस थ्री प्लस फोर, थ्री टू सिक्स वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, ये आ गया हमारे पास। ऐसे यहाँ पर माइनस थ्री है तो जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो और वन, ये ए एल्टीज, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा यहां पर अगला है, अगला ऑपरेशन क्या करेंगे हम देखिए आप, अगला ऑपरेशन आप हमने क्या करना है यहां पर देखो बेटा, ये फर्स्ट कॉलम ठीक कर दिया हमने, फर्स्ट कॉलम ठीक कर दिया। अब हमारे पास सेकंड कॉलम की बारी है, तो इसमें हम सबसे पहले वन लाने की कोशिश करेंगे, ये वन लाएंगे यहां पर, ये वन लाने की कोशिश करेंगे, फिर जीरो लाएंगे। तो यहां पर देखिए वन लाना है, जो मैंने ब्लू पेन से टिक कर रहा हूं, यहां पर हमने क्या लाना है वन, और जो बाकी पे हमने क्या लाना है जीरो जीरो, यहां जीरो जीरो लाना है। तो पहले वन लाएंगे, तो हम कैसे लाएंगे भाई, इसको हम क्या करें, या सो थ्री से डिवाइड करें, थ्री से डिवाइड करें तो लेंथ ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका हम ये करते हैं R2 डिवाइड में, तो हम क्योंकि फिर डिवाइड में हमें फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में हमें कैलकुलेशन में टिपिकल होएगी और वो टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए टाइम से बचने के लिए हमने इससे क्या कर दिया R2, R2। अब बेटा यहां पर मैं इसको टू सेंट करके ऐड भी कर सकता था, लेकिन ये जीरो कैंसिल हो जाती होगी, इसलिए मैं आर थ्री के साथ करूंगा इसको। आर टू माइनस क्या करूंगा मैं, आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री, तो उससे बेनिफिट क्या होगा बेटा, यह आएगा वन माइनस वन टू जीरो, थ्री माइनस फोर माइनस वन, वन माइनस फाइव प्लस सिक्स जीरो, फोर माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन जीरो जीरो, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस जीरो वन, जीरो वन माइनस माइनस वन, थ्री जीरो वन एट इज थ्री जीरो वन। इनटू में ये ए एज ए पोस्टर का काम करेगा, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए भाई यहां पर हमारा क्या चाहिए, आ गया माइनस वन चाहिए क्या हमें, प्लस वन, तो हम क्या करेंगे इसके रो टू के साइन चेंज कर देंगे, तो रो टू के हमने साइन चेंज कर दिए, तो आर टू, आर टू माइनस वन इंटू में आर टू, तो हमने साइन चेंज कर रखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्या आएगा वन माइनस वन टू, ये आ गया हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये जीरो प्लस वन माइनस सिक्स माइनस वन जीरो जीरो प्लस टू माइनस वन प्लस वन थ्री जीरो वन, ये आएगा जीरो फोर माइनस फाइव, फिर यह आएगा हमारे पास ए, ए क्या काम करेगा, ये पोस्टर काम करेगा हमारे पास, ये आ गया। अब यहां पर बना गया ना भाई, ये बना गया हमारे पास, ऐसा बन चाहिए था। अब यहां पर हमें क्या चाहिए जीरो, और यहां पर भी क्या चाहिए हमें जीरो, तो कैसे आएगा भाई, हम आर वन में आर वन प्लस आर टू एड कर देंगे, फिर आर टू, आर टू प्लस सॉरी माइनस फोर टाइम ऑफ आर थ्री पे करेंगे हम, आर थ्री आर टू कर देंगे हम, तो कीजिए भाई, तो क्या आएगा यहां पर वन माइनस वन प्लस वन जीरो, टू माइनस सिक्स एड करोगे कितना आएगा माइनस फोर इक्वल टू
माइनस वन में टू ऐड कीजिए वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो प्लस वन वन, या गया हमारे पास। अब ये रो टू एट इज जीरो वन माइनस सिक्स टू माइनस वन वन। अब आर थ्री माइनस फोर टाइम ऑफ आर टू कीजिए भाई। अब आर थ्री माइनस फोर टाइम ऑफ आर टू करोगे तो क्या आएगा, इसको फोर जीरो, फोर वन फोर, फोर माइनस फोर जीरो, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर में इसे माइनस फाइव में ट्वेंटी फोर माइनस कीजिए तो कितना आएगा, प्लस का नाइनटीन। याद है हमारे पास। अब फिर यहां पर कीजिए भाई, कितना आएगा, फोर टू जा एट, थ्री माइनस एट माइनस फाइव माइनस फोर, जीरो माइनस फोर प्लस फोर, फोर वन फोर, वन में से फोर माइनस करो कितना आएगा, माइनस थ्री। या देखिए बेटा भाई आ गया, आ गया हमारे पास। दोबारा देख लीजिए, यदि इसमें शक लगे हमें कि आर थ्री माइनस फोर टाइम ऑफ आर टू माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस फाइव में से ट्वेंटी फोर माइनस करोगे प्लस का आएगा तो नाइनटीन आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब क्या मोटिव होता है बेटा, हमारा मोटिव होता है यहां पर वन लाना और यहां जीरो जीरो। देखिए भाई कैसे लाए हम, एक माइंड में आएगा इसको थ्री से मल्टीप्लाई करते, थ्री सिक्स एटीन, नाइनटीन एटीन ऐड करेंगे वन आ जाएगा, लेकिन ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, अब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो आर आर थ्री पे वन बाई नाइनटीन और आर थ्री, ये कीजिए आप। तो हमने डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास वन जीरो माइनस फोर जीरो, वन माइनस सिक्स जीरो जीरो, वन इक्वल टू वन माइनस वन वन, टू माइनस वन वन, माइनस फाइव बाई नाइनटीन, फोर बाई नाइनटीन, माइनस थ्री बाई नाइनटीन, और ये क्या आएगा, ए एज ए पोस्टर का काम करेगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें यहां जीरो बनाना है, यहां जीरो और यहां जीरो बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे जीरो, देखिए तो आप क्या करोगे, आर टू, आर टू प्लस सिक्स टाइम ओ, सिक्स टाइम ओ क्या करोगे आप, सिक्स टाइम ओ आर थ्री, और आर वन, आर वन प्लस फोर टाइम ओ कितना जाएगा हमारे पास, आर थ्री। अब ये ऑपरेशन सोल्व करोगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यू ट्राई, नहीं आए तो फिर डाउट लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 13 का, कि वन टू जीरो ये हमारे पास है, तो हमारे पास कितना आएगा, क्वेश्चन आर मोस्ट इंपोर्टेंट, तो देयरफॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए इक्वल टू वन माइनस वन जीरो टू फाइव थ्री जीरो टू वन, ये बेटा। तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट जरूर लेना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन मेरे को लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन हर क्वेश्चन में डिटरमिनेंट लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होगा एग्जाम में कि कौन सा का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो आपको डिटरमिनेंट जरूर लेना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिया हमने, क्या आएगा वन, तो फाइव वन द फाइव माइनस सिक्स प्लस वन
ये आएगा हमारे पास टू वन टू माइनस जीरो और जीरो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा जीरो तो समथिंग क्या कर देगा, जीरो ही कर देगा। तो माइनस वन और प्लस टू दैट इज इक्वल टू वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भाई। आप वही बेसिक रूल, बेसिक रूल क्या हमारे पास, हमें क्या चाहिए, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब मैं इसको जानबूझ के एक क्वेश्चन कॉलम मेथड से करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन हमने रो से किया है, हालांकि एग्जाम में आपको एलिमेंट्री रो को ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा होगा इस एक्सरसाइज में भी और एनसीईआरटी में भी, लेकिन एक हम कॉलम से ट्राई करते हैं। तो कॉलम से करने के लिए हमें क्या करना होगा, रो को ठीक करना होगा। पहले वन जीरो जीरो, तो यहां पर हमें वन है, यहां पर हमें अब क्या चाहिए जीरो, और यहां पर जीरो लकीली हमारे पास है। तो आप क्या करोगे, अब यहां जीरो लाना है और हमने कॉलम ऑपरेशन ही यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम टू, कॉलम टू पहले तो हम ये लिखेंगे, सिंस वी नो दैट आई ए इक्वल टू ए, तो आई की वैल्यू लिखिए आप, आई की वैल्यू कितनी हमारे पास, या ऐसे दोबारा सॉरी ए इक्वल टू आई ए, वैसे वैसे लिखते थे हम, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब ए एक ना हमारे पास वन माइनस वन जीरो टू फाइव थ्री जीरो टू वन इक्वल टू आई वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इंटू में ए, ए क्या काम करेगा, पोस्टर काम करेगा, तो हम ए आई टी लिखते हैं, ये ऐसी लिख दिया हमने। अब बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, आप क्या करें, हम कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो हमने रो को ठीक करना है, पहले वन फिर जीरो जीरो, तो ये वन तो है ही, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ जीरो चाहिए हमें, तो कॉलम टू पे कॉलम टू प्लस कॉलम वन ऐड करते हैं हम, तो ऐड करेंगे तो वन फर्स्ट कॉलम तो ऐड इज वन टू जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो फाइव टू सेवन टू और जीरो टू, ये आएगा जीरो थ्री वन, ऐसे यहां पर क्या आएगा वन जीरो जीरो। अब बेटा यहां पर कॉलम टू पे कॉलम वन ऐड कीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास, जीरो में वन ऐड किया वन वन जीरो 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 वन एक इंटू में ए, ये ए एज ए पोस्टर का काम करेगा। अब आ गया भाई हमारे पास, अब हमें क्या करना है, क्या करना हमें कि यहां पर वन लाना है और बाकी जगह जीरो। तो देखिए भाई यहां वन कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, अब रो नहीं कर सकते आप, कभी आप सोच रहे हो थ्री टू जो सिक्स सेवन सिक्स वन, ऐसे नहीं भाई, अब हमने कॉलम ऑपरेशन ही यूज करना है। तो देखिए भाई, तो क्या करें, हम यहां पर वन लाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कॉलम टू, यदि हम ये करते हैं थ्री टू दिक्स सेवन माइनस सिक्स वन आठ तो जाएगा, लेकिन ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इससे करते हैं क्या, कॉलम टू, कॉलम टू माइनस टू टाइम ऑफ कॉलम थ्री, ये कर दिया हमने, तो कॉलम टू माइनस टू टाइम ऑफ कॉलम थ्री, तो ये क्या बच्चे, ये आएगा वन टू जीरो जीरो टू सिक्स सिक्स के वन और टू 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 माइनस टू जीरो, अब ये आ गया जीरो थ्री वन इक्वल टू ये वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो वन टू जीरो जीरो वन टू टू जीरो माइनस टू माइनस पिक करोगे तो माइनस टू जीरो जीरो वन, और ये ए एज ए पोस्टर काम करेगा हमारा, ये आ गया। अब
ये लकली हमारा पूरा ही घंटा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सॉरी रो ठीक करनी थी हमें, यहां पर हमारे पास कैसे करोगे भैया आप, ये हो गया ना हमारे पास, ये 100 हो गई, ये 1 आ गई, अब यहां 0 डालना हमने यहां लाना है 0 और यहां लाना है 0। तो कैसे लाएंगे हम 0, देखिए कॉलम 1, कॉलम 1 माइनस 2 टाइम ऑफ कॉलम 2 और कॉलम 3 माइनस 3 टाइम ऑफ कॉलम 2। ये आ गया हमारे पास, तो करिए भाई ये आएगा 1 2 माइनस 2 0 ये आ गए, फिर ये 0 1 0 अब करोगे आप इस पे करोगे कितना आएगा हमारे पास 0 3 में 3 में 3 गया 0 और 1 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इसको कीजिए कॉलम 1 माइनस 2 टाइम ऑफ, तो 2 1 जा 2 1 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 1, यहां से 2 जा 2 0 में 2 गया माइनस 2 2 जा 4 0 माइनस 4 प्लस 4 और ये सेकंड कॉलम है इट इज 1 1 माइनस 2। आप देखो बेटा यहां पर है कॉलम 3 में 3 टाइम ऑफ कॉलम 2 3 1 जा 3 तो 0 माइनस 3 माइनस 3 और 3 में 3 0 3 माइनस 3 और माइनस 6 कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस 6 प्लस 7 ये आ गया हमारे पास और ए ए आज क्या काम करेगा पोस्टर काम करेगा हमारे पास ये आ गया हमारे पास। देखिए आइडेंटिकल मैट्रिक्स खुद ही बन गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास और लकली हमारे पास ये थर्ड और अपने आप ही आ गई, तो इसलिए अब हमारे पास तो ये हमारे पास ए या हमारे पास देयरफॉर ए इनवर्स वी नो दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 4 माइनस 2 7 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ये हो गया हमारे पास उनको। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 14 क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस 1 3 5 14 क्वेश्चन है 2 a इक्वल टू 2 माइनस 1 3 माइनस 5 3 1 माइनस 3 2 3 ये है बेटा। अब वही फिर हमने क्या लाना है यार, आपकी बार रो ऑपरेशन करते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये चाहिए हमें, तो कैसे करोगे आप इसको a इक्वल टू दिस, अब यहां पर है तो हमने रो ऑपरेशन यूज करना है, तो वी नो दैट a
इक्वल टू आई ए। अब ए कितना है यहां पर, ए कितना हमारे पास, ये वैल्यू लिख दीजिए दोबारा, टू माइनस वन थ्री, माइनस फाइव थ्री, वन माइनस थ्री टू थ्री इज इक्वल टू आई। आई कितना हमारे पास, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इंटू में ए आ गया हमारे पास। अब बेटा यहाँ पर अब हमें देखिए क्या कहा था हमने, पहले ही कहा था कि यदि यहाँ पर रॉ ऑपरेशन यूज करें तो हम पहले कॉलम को ठीक करेंगे, तो यहाँ पर वन फिर जीरो जीरो, ये पहले वन वन जीरो जीरो लाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर क्या लाएंगे, वन, यहाँ लाएंगे हम वन, और बाकी दो जगह जीरो जीरो, इन दो रेड से लिया हमने इनको जीरो जीरो लाना है, और जो ब्लू से लिया वो हमने वन लाना है। देखिए भाई आप कैसे लाओगे, अब हमने रो ऑपरेशन करना है तो हम क्या करेंगे, वन लाएंगे, एक तो टू से डिवाइड कर दे हम, फिर हम फ्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेंगे ऑपरेशन, हम करेंगे आर वन थ्री टाइम ओ आर वन प्लस आर टू, थ्री टाइम ऑफ आर वन प्लस आर टू। तो ये देखिए बेटा क्या किया, थ्री टू सिक्स सिक्स माइनस फाइव वन, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, थ्री जो नाइन नाइन और वन टेन आ गए, माइनस फाइव थ्री वन, माइनस थ्री टू थ्री इक्वल टू, और फिर यहां पर कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा थ्री टाइम थ्री मतलब थ्री जीरो, ये आएगा जीरो में वन ऐड करो कितना आएगा, वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, और ये ए, ए क्या काम करेगा, पोस्टर काम करेगा, तो इसको हमने ए एस जी लिख दिया। ये आ गया हमारे पास, आगे देखिए बेटा अब दोबारा ये वन आ गया, अब यहां जीरो जीरो बनाना है, तो जीरो जीरो बनाइए भाई, आप कैसे बनाओगे, आर टू, आर टू प्लस फाइव टाइम ओ आर वन, फिर आर थ्री प्लस फाइव टाइम ओ सॉरी थ्री टाइम ओ आर वन, क्या आएगा हमारे पास, करिए भाई आप कैसे करेंगे, आर टू प्लस फाइव टाइम ऑफ आर वन, आर वन पे तो हमने कुछ ही नहीं किया, एट इज आएगा थ्री वन जीरो, ये ए एट इज। अब कीजिए भाई फाइव इन द फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो, फाइव जीरो जीरो थ्री, फाइव टेन फिफ्टी, फिफ्टी और वन फिफ्टी वन, अब फाइव इन द फिफ्टीन और जीरो फिफ्टीन, फाइव इन द फाइव वन सिक्स, फाइव जीरो जीरो जी। अब आर थ्री में इसको कीजिए भाई कितना आएगा, यहाँ हमारे पास हमने बनाया था यहाँ कि हमने फाइव इंटू फाइव जीरो किया था, फाइव जीरो जीरो कितना किया था हमने, ये सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, टेन का टेन ही आएगा। अब देखिए भाई आर थ्री प्लस थ्री टाइम ऑफ आर वन, तो थ्री टाइम ऑफ आर वन कीजिए, थ्री मतलब थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री जीरो जीरो प्लस टू टू, थ्री टाइम थर्टी, थर्टी थर्टी थ्री, यहाँ गया थ्री जो नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, थ्री जो वन थ्री, थ्री जीरो थ्री, थ्री जीरो जीरो प्लस वन वन, यहाँ गया हमारे पास। अब किसकी बारी है भाई, अब हमारे पास है सेकंड की, यहां पर वन आना चाहिए और यहां पर हमें जीरो जीरो, यानी कि इट मींस यहां वन और ये जो जीरो, यहां तो जीरो लकली हमारे पास है, यहां जीरो बनाना है, तो पहले वन बनाते हैं हम, तो आर वन कैसे करें हम, इसमें से माइनस कर दे सीधा, तो ये आएगा हमारे पास आर, क्या आएगा आर टू, आर टू माइनस आर थ्री, सीधा माइनस कर रहे हैं हम,
तो ये आएगा फर्स्ट रो तो 8 ही से 1 0 10 0 3 माइनस 2 1 51 में 53 माइनस करिए कितना आएगा, ये आएगा 18 18 0 2 33 इक्वल टू ये आएगा हमारे पास अब 3 1 0 ये आएगा हमारे पास कितना आएगा करें भाई हम आर टू माइनस आर थ्री 15 में 9 माइनस करो कितना आएगा 6 6 माइनस 3 3 और 0 माइनस 1 माइनस 1 9 3 1 और इनटू में ए ए आई थिंक रहेगा ये आ गया हमारे पास। आप यहाँ 0 आइए भाई आप 0 कैसे मारोगे आप इसको कीजिए आर आर थ्री आर थ्री माइनस टू टाइम हो आर टू तो कीजिए भैया यहां गया 1 0 10 0 1 18 इक्वल टू 3 1 0 6 3 माइनस 1 अब बेटा यहां पर ए आई टी अब ध्यान कीजिए भाई इसको 3 0 0 2 0 0 0 आ गया 2 2 में 0 36 33 में 36 का माइनस कर माइनस 3 आप यहां कीजिए 2 12 माइनस 3 2 6 माइनस 3 माइनस 2 तो करोगे कितना है 1 में से माइनस 2 करोगे तो प्लस 3 ये आ गया हमारे पास। आप कैसे करोगे इसको नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है क्या करोगे आप कि नेक्स्ट पोर्शन है आप इसको आप ये ले लिया हमने आई इंटू ए अब बेटे यहां पर आप बनाओगे कैसे भाई ये 1 0 0 यहां पर अपने को बनाना है 1 और यहां पर अब अगले बनाना हमने 0 0 इसको बनाना है इधर आना है तो हम कैसे करेंगे भाई इसको 1 बनाना है तो हमने इसको माइनस 3 डिवाइड कर दीजिए तो कैसे करोगे आर थ्री माइनस 1/3 आर थ्री तो डिवाइड कीजिए डिवाइड करेंगे हम 1 0 10 0 1 18 0 0 ये आ गया 1 इक्वल टू 3 1 0 6 3 माइनस 1 डिवाइड करिए 1 1 माइनस 1 इंटू में आ गया आप क्या करोगे 0 बना लीजिए भाई 0 कैसे